हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवा और आप देख रहे हैं रिफ़्रेश माइंड विद शिवा। तो दोस्तों, जो आज हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है अश्वत्थामा का अवतार। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो गुरु द्रोण हैं वो अश्वत्थामा के पिता हैं, लेकिन जो अश्वत्थामा हैं वो कौन हैं, वो किसके अवतार हैं, आज हम अपनी वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। तो आइए पता करते हैं इसके बारे में। पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा को काल, क्रोध, यम व शिवजी जी का अंशावतार कहा गया है। ऋषि द्रोण ने कठिन तपस्या कर शिवजी को पुत्र रूप में पाने की विनती की थी, जिसके फलस्वरूप तब सवंतिक रुद्र ने अपने अंश से द्रोण के बलशाली पुत्र अश्वत्थामा के रूप में अवतार लिया था। शिव महापुराण की शतरुद्र संहिता 37 के अनुसार अश्वत्थामा को अमर माना गया है। यह आज भी धरती पर विचरण करते हैं, मतलब कि अश्वत्थामा आज भी धरती पर इधर उधर घूमते रहते हैं और इनका जो निवास स्थान बताया गया है वह गंगा के किनारे बताया गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी कि नहीं मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।